नमस्कार, मैं गौरी आपके साथ, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। परिणामों के साथ सबक, संजीवनी और संदेश तीनों दिए गए हैं। पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहां समाजवादी पार्टी ने न केवल भाजपा को सीटों के मामले में पीछे किया है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बेहतर जमीन भी तैयार की है। इस लोकसभा चुनाव में कुछ महत्वपूर्ण सीटों की चर्चा करें तो लखनऊ से जुड़ी मोहनलालगंज सीट की बात जरूर होती है। यहां समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी रहे आर के चौधरी ने भाजपा के प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर को हराकर इतिहास रच दिया है। हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने मोहनलालगंज सांसद आर के चौधरी से खास बातचीत की है, देखिए। आया है वो अलग आया है। इस बार जनादेश में जिस तरह से मोहनलालगंज में जीत हासिल की गई है, वो भी यहाँ पर इतिहास है। हमारे साथ मौजूद है मोहनलालगंज के सांसद आर के चौधरी। जानेंगे जीत की वजह क्या रही, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा इतिहास रचा गया है मोहनलालगंज से। सवाल पूछिए, क्या कहेंगे जीत के बारे में? जीत गए कहेंगे और क्या, जीत गए जीत गए। वजह क्या रही? बड़ी मेहनत की, बड़ी नीति, बड़ी रणनीति। नहीं नहीं, आर के दौर मेहनत नहीं की। आर के दौर खाली चेहरा रहे हैं। ये चुनाव शुरुआती दौर में 10 दिन आर के दौर लड़े हैं, हमारी टीम लड़ी है। लेकिन 10 दिन के बाद आम कार्यकर्ता लड़ा है, आम पब्लिक लड़ी है, लोग लड़े हैं। क्योंकि लोग जानते हैं कि देश में इस समय सरकार बीजेपी की है, और बीजेपी सरकार खाली हिंदू मुसलमान करती है। इस देश में संविधान खतरे में है, दलितों पिछड़ों आरक्षण खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आम कारोबारी परेशान है। इसलिए जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इस नारे के साथ बदलने प्रयास किया गया, आधा बदला है, आधा बाकी है। अगर सरकार बीजेपी बन भी गई तो आज नहीं कल नहीं परसों हम लोग बदल देंगे। जानकारी मिली है कि यहाँ पर भले आपने पार्टियाँ चेंज की हो, पर लगातार बहुजन आंदोलनों से आप जुड़े रहे, सक्रिय बने रहे, यही वजह रही इसकी? हाँ, कारण है। मानवीय कांतन बनाई थी बहुजन समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी। हम लोग नारा लगाते थे, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। आज माननीय अखिलेश यादव जी जो हम लोग के नेता हैं, बनाना है PDA। तो जैसे बहुजन था वैसे PDA है, जैसे PDA है वैसे बहुजन था। अब नारा लगता है, जो PDA की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। पहले नारा लगता था बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांचनराम करेंगे पूरा। अब कांचनराम है नहीं, अब नारा लग रहा है बाबा तेरा मिशन अधूरा, माननीय अखिलेश यादव करेंगे पूरा। बड़ी जीत है, किसी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है, सबसे बड़ी पार्टी। इसकी जो संजीवनी है, ये 2027 के चुनाव में कितना काम करने वाली है? 17 नहीं, अभी तो इसी में हम काम करें, अभी 27 में भी इसी में काम करेगी। हमें लगता है अगर सरकार बीजेपी बन रही है तो हौसला बन जाए, लेकिन चल नहीं पाएगी। हम लोग गिरा जोड़ देंगे, मोहनलालगंज की जनता के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह के प्रश्न उठाए जा रहे थे, अगर आप प्रतिनिधि की बात करें बीजेपी से, तो वहाँ पर प्रश्न उठाए जा रहे थे, क्या कहेंगे जनता के लिए? जनता जो चाहती है, क्योंकि 5 विधानसभा क्षेत्र मिला के मोहनलालगंज बनता है, उसमें एक पार्ट मोहनलालगंज असेंबली सीट भी है। वहाँ पब्लिक ने पहले ही नारा दे दिया था, आज 10 साल पहले 12 साल पहले, कि बिजली पानी सड़क अधूरी, आज के टोरिंग पूरे करेंगे पूरी। तो मोहनलालगंज वाले संतुष्ट हैं, इसी नारे को मोहनलालगंज लोगों ने फैला दिया पूरे पार्लियामेंट में। अब अगर नारा लगा है कि बिजली पानी सड़क अधूरी, आज के चौधरी करेंगे पूरी, और पब्लिक को भरोसा है, तो निश्चित तौर पर इसको हम पूरा करेंगे। बीजेपी 400 पार की बात करी थी उत्तर प्रदेश में, 80 सीट जीतने के दावे कर रही थी, आपको क्या लगता है किस वजह से यहाँ पर आ रहे हैं? नहीं, आपको गलत है, 400 पार नहीं बता रहे थे, 400 हार बता रहे थे। और अब जितना उनके पास लोग जीत गए हैं, हो सकता सरकार बन जाए जोड़ तोड़ करके, लेकिन चल नहीं पाएगी। क्योंकि अब इस देश के आम लोग, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, परेशान जो परेशान लोग हैं, वो बीजेपी सरकार को हटाएंगे, पक्का हटाएंगे। तो ये थे हमारे साथ मोहनलालगंज से सांसद आर के चौधरी, जिन्होंने एक इतिहास बनाया। उन्होंने कहा है कि यहाँ सरकार अगर बीजेपी की बन भी जाती तो यहाँ पर चलेगी नहीं, हम इसको गिरा देंगे। और 27 के लिए उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है, इस बार सरकार नीति गिरानी है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। आने वाले समय में क्या होगा वो अलग बात है, पर निश्चित रूप से जो संजीवनी है वो इनके चेहरे पर दिख रही है, उत्साह है वो चेहरे पर नजर आ रहा है। और निश्चित रूप से जो उत्साह है, ये बीजेपी के लिए 2027 चुनाव में बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। कैमरामैन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सी न्यूज भारत, लखनऊ। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।